तो ये होने वाली है एक... ये है वो ग्राउंड जहाँ पे हम लोग शाम को फॉलोइंग करते हैं। अभी चल रही है कल्चरल परफॉर्मेंसेस एंड उसके बाद ये क्या कर रहा है, कल्चरल परफॉर्मेंसेस चल रही है और लाइन एरिया इंस्पेक्शन एंड फ्लैग एरिया इंस्पेक्शन चल रहा है। हम आए हैं रिफ्रेशमेंट लेने क्योंकि हम लोग रिफ्रेशमेंट मारने के फिर आते हैं। आरडीसी कैंप अपडेट। सो आज हम जा रहे हैं कल गार्डो मोनर देखने, कल गए थे ऑडिटोरियम में क्योंकि कल विजिट था हमारा वाइस प्रेसिडेंट का। आज आ रहे हैं सीएनएस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। सभी लोग फॉलोइन हो चुके हैं। ये हमारा डायरेक्टरेट बिल्डिंग लाइन एरिया बोलते से हम बन रहे हैं और ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का प्ले कार्ड। मस्त मनीष भाई पकड़ के रखे यहाँ पर हमारे जेडी भाई हमेशा की तरह जोश में लेकिन सोते हुए। जोश मतलब क्या बोले, आरडी है थोड़ा अभी कुछ दिन मतलब लाइन एरिया करके ठंडा हो गया है जोश। तो आज आ रहे हैं हम लोग का सीएनएस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो हम सब लोग जाएंगे गार्डो ऑनर देखने और वो लोग है CNS? वो लोग है ऑडिटोरियम में जाने वाले। कौन है CNS? वो आप नेवी के बताइए कौन है CNS? हमारे CNS है एडमिरल आर। वाह, कैसे हम बिलीव कर लेंगे आप सही बोल रहे हैं। व्हाट इज द गूगल कर लो। ओके, आर का सब बताना कमेंट में। आर का फुल फॉर्म है राधा कृष्ण। हम बताएगा जरा काम को सुनो। भाई भी बर्थडे बहुत काला काला हो गया। देखो काला काला हो गया, सुना है हमको कितना गोरा है। आरडी है ये, आरडीसी रेस्ट देना छोड़ दो खत्म। सबसे बड़ा पॉइंट, हमको टॉयलेट के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। हमको रात को 3 बजे उठना पड़ता है, कभी कभी 2:30 बजे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मेहनत करना है, लाइफ में कुछ इजीली नहीं मिलता, तो यही हमें बताते हैं आरडीसी। और कुछ बैठ चुके हैं, देख सकते हैं। आज आने वाले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सब बैठे हुए हैं मास्क।
फिर से हमारी लाइन एरिया इंस्पेक्शन है, हम फिर से लग चुके हैं काम में। मुझे मिला ये मैट साफ करने का ड्यूटी इन सबके साथ, और बच चुकी है। और यहाँ में पेंट कर रहे हैं, फुल जगह चक करने की प्लानिंग हो रखी है। ये प्रतीक पीओपी काम करते हुए आरडी में आके चारू वाला आ जा रहे। अभी हम हमारे नेपाली भाई, हमारे आंखों में भाई, बंगाली भाई, और अभी हम इधर खाने जा रहे हैं, होने जा रहे हैं, और अभी हम यहाँ पे पाई पाई में होने जा रहे हैं, पाई पाई। ये है संडे स्पेशल चाइनीज। संडे So, कल हमारी वापिस से लाइन एरिया इंस्पेक्शन है, तो उसी की तैयारी करने जा रहे हैं ऑफिस में। ये है हमारी बॉडी, ठीक हो गया क्या? इनमें से जो कचरा है वो हमें समेट के इसके ऊपर डालना है, देख के आना है हमारे डस्टबिन में। लाइन एरिया ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, देख सकते हैं काफी सुंदर लग रहा है पहले से। इसको तो मतलब एकदम झकास बना दिया है हमारे केसी भाई ने, और यहाँ पर कुछ कुछ ड्राइंग वगैरह बना पड़ा है, और इसी तरह का माहौल चल रहा है अभी हमारे NER के लाइन एरिया में। तो सामान हो गया है लोड, और ये हमारे ड्राइवर जी ठेला गाड़ी के, चलते हैं अभी ले कचरा क्लियर करने। हमारी लाइन ही दे कुछ इस प्रकार की नजर आ रही है, अभी हम इसको साफ सफाई करेंगे और चकाचक कर देंगे और ज्यादा। चलते हैं डस्टबिन क्लियर करके आते हैं। अपने एसियोपेटिक पॉल बतकाने हटकर करते हुए आदमी भरा हुआ है दिमाग, अभी का वही का वही। उसका प्रेशर से टायर पिचक गया है। सब साफ सफाई चल रही है, सारे के सारे डायरेक्ट रेट्स की हमारे भी लग चुके हैं, और हम लोग इंस्पेक्शन के लिए निकले। ओ माय गॉड, पेंटिंग ऑन पॉइंट। अभी चलते हैं हम लोग कल्पतरु, चुपके चुपके किसी को पता ना चले। तो अभी हम आ चुके हैं कल्पतरु में, जो कि है हमारा कैडेट्स कैफेट एरिया। देख सकते हैं फुल ताम झाम लगा हुआ है, और हम लोग काम से मकरमी करके मिशन सक्सेसफुल कर रहे हैं। ये है हमारा आलू टिक्की जलेबी, और ये बर्गर खाते हैं मुझे। चलो सी यू। तो हम लोग कल्पतरु से आए और स्ट्रेट अवे काम पे लग चुके हैं। अभी चूना मिलाएंगे इसमें, और वहाँ में जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये सब और वो वहाँ पे हमें व्हाइट पेंट करना है। और यहाँ में एक पार्टी फॉलोइन हो रखी है ऑलरेडी रोल कॉल के लिए, हमारी पार्टी भी फॉलोइन होने जा रही है। हम दोनों नहीं जाने वाले क्योंकि हम दोनों को चूना मारना है। सो लेट्स गो। अभी एक घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा एरिया सफा करना है। इसका देखो आता नहीं है काम, सिखा देता हूँ कैसे चूना मिलाना है। चल पूरा सफेद।
सो आ चुके हैं हम वीडियो के एंड पे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट कर दीजिएगा आप सभी का फेवरेट पार्ट कौन सा था, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड शेयर करना मत भूलना अपने यारों दोस्तों सबके साथ शेयर करो, अपने एनसी के दोस्तों को बताओ कि ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। इस बार का लाइक रखते हैं 400 लाइक्स का, आपने पिछले दो वीडियोस के अभी तक पूरे नहीं किए तो आई गेस आप कर देंगे इस वीडियो के बाद, एंड कमेंट टाइप रखते हैं 100 कमेंट्स का। आप सभी सोच रहे होंगे कि मेरी एनसीसी खत्म होने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, तो उसकी भी सीरीज आने वाला हूं मैं इस सीरीज को खत्म करने के बाद। तो अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसको वीडियो के एंड में डाल दूंगा, एंड अगर आपको जानना है कि मैं आरडीसी तक कैसे पहुंचा उसकी भी प्लेलिस्ट में एंड में डाल दूंगा। तो स्टे फिट, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी। मिलते हैं आप सभी को अगली।